हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की महिमा हो, ईश्वर मसीह के नाम की महिमा हो, राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो यीशु, आपके नाम की जयजयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया आज दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज के भोर के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके उपकार आपके भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आज के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के कदमों में आज छाए। हालेलुया और प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें संभाला रक्षा किया जीवित रखा भला चंगा रखा। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के भोर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज के आशीष के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज दिन भर के आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया प्रभु के चरणों में आ जाओ। हालेलुया प्रभु के चरणों में मुक्ति है, प्रभु के चरणों में शांति और तसल्ली है, प्रभु के नाम में आशीष है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में मुक्ति है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के कदमों में आ जाओ और प्रभु को अपना शरण स्थान मानकर प्रभु के चरणों में आ जाओ। अपना शरण स्थान मानिए, उसे ऊंचा गढ़ मानिए, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हम अपने आप में बुद्धिमान ना बने, लेकिन प्रभु के चरणों में आ जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया ईश्वर आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद। स्तुति पर विराजमान खुदा आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया रबा संदा रबा रिकनला रथिनला रबला रबा बारिश कनला रथिनला रबा। परमेश्वर आपकी से बातचीत करने से पहले प्रभु हमारी गलती गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए ईश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हालेलुया हमारे होठों को हमारे दिलों को हमारे मनों को शुद्ध कर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया क्योंकि पिता परमेश्वर जब तक हम अपने आप को ओ पिता परमेश्वर आपके चरणों में नहीं लाते, जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करते प्रभु पिता परमेश्वर, तू हमें स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आप आत्मा है और आत्मा और सच्चाई से हम आपके नाम की महिमा कर सके यीशु के नाम से। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अकाल हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया क्या भूखमरी क्या अकाल क्या परेशानी क्या कमजोरी क्या बीमारी क्या तकलीफ है, वो परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया उसने हमसे इतना प्रेम किया हालेलुया कि कोई इस जहां में कोई कर नहीं सकता, इस दुनिया में कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, उसने ऐसा प्रेम किया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को याद करें, प्रभु के अनुग्रह को वो उसके उपकारों को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपनी खेतीबाड़ी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने सर्विस को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने बाल बच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने मम्मी पापा परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके हर तकलीफ को दूर करेगा। मेरे प्रिय आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन से हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, श्राप के बंधन टूट जाएंगे, बीमारी के बंधन टूट जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन से हर प्रकार का कर्जा का श्राप बंधन टूट जाएगा। हालेलुया क्योंकि जो कोई विश्वास के साथ प्रार्थना करता है प्रभु उसकी जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी सुन लेता है, कोई संदेह नहीं करता है तो परमेश्वर उसकी सुन लेता है और हर तकलीफ से हर परेशानी से हर तकलीफ से दूर करता है, हर बंधन को तोड़ देता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रभु, हमें वो शक्ति दीजिए, हमें वो सामर्थ्य दीजिए कि पिता परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना करने वाले बन जाए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, हालेलुया। आपसे सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हर बंधन टूट जाएंगे, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हर रास्ते बिगड़े रास्ते सही हो जाएंगे, ओ यीशु के नाम से, हालेलुया। रबा संदा रबा 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर अग्नि के खंभे आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अंधियारों में भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ साथ चलते प्रभु, अंधियारे को दूर करते हैं हमारे जीवन से, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से हर प्रकार के श्राप को खत्म करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। समुद्र में से रास्ता खोलने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद, चट्टान में से पानी निकालने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, सूखे हड्डियों में जान डालने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, सिंह के मांस से छुड़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आपका धन्यवाद, अग्नि के भट्टे से छुड़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, उस सिंह के जबड़े से छुड़ाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के जीवन को बदलने वाले परमेश्वर ईश्वर तेरे पास आते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा संदा रबा ला रबा बा 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 परिश्कन ला रथी न ला रदा दा दा न ला रबा ला रबा बा 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 परिश्कन ला रथी। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है, आराधना में हर बंधन टूट जाते हैं, हालेलुया। रखनला रबा बाबा रशकन खमो बाबा बाबा रशकन लरथी यीशु के नाम से। मेरे प्रियो आज विश्वास की प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हर बंधन को तोड़ देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार के श्राप के बंधन टूट जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर कर्जे का श्राप टूट जाएंगे, लड़ाई झगड़े जो डालती है वो श्राप बंधन खत्म हो जाएंगे, हालेलुया यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, विशेष करके परमेश्वर फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ। कई ऐसे लड़ाई झगड़े के वजह से पिता परमेश्वर पति पत्नी अलग हो रहे हैं परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर माँ बाप अलग हो रहे हैं बच्चे से, ओ पिता माँ बाप अलग हो रहे हैं, माँ बाप से बच्चे अलग हो रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रकार के लड़ाई झगड़े की शैतान की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे प्रेम को जानने वाले बन जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तेरे कदमों में आ जाए, और ऐसे परिवार में से हर प्रकार के झगड़ा हर प्रकार के श्राप के बंधन यीशु मसीह के नाम से खत्म, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ शैतान की शक्ति भस्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के वाणी के द्वारा भस्म हो जाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। बाबा 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 छूले परमेश्वर पिता,
यीशु के नाम से पिता परमेश्वर भाई बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से उस आंटी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसकी बहू पिता परमेश्वर कई दिनों से वो घर में नहीं आ रही है प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसके जीवन को बदल दे प्रभु, यीशु के नाम से अपने सामर्थ्य को भेज दीजिए परमेश्वर, उस बहू के द्वारा उस बेटे के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लीजिए, और प्रभु यीशु के नाम से उसके उजड़े हुए परिवार को फिर से बसा दीजिए यीशु के नाम से, प्रभु उसकी भी बहु पिता परमेश्वर घर से बाहर है प्रभु, मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर प्रकार के बंधन टूट जाए परमेश्वर, श्राप के बंधन टूट जाए परमेश्वर यीशु के नाम से, रबा संदरा बाबा बारिश कनल रथी, पिता परमेश्वर ये घर बिखरने वाला ना बने परमेश्वर, ये कोई भी घर कोई भी फैमिली बिखरने वाला ना बने प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। पिता परमेश्वर उस भाई के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर दोनों पति पत्नी अलग है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर वो छुड़ा लीजिए प्रभु, यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए परमेश्वर, उनके बीच में जो दीवार है खत्म हो जाए यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर उनके उनके बीच में प्रेम आ जाए और एक दूसरे से मिलने वाले बन जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ खुदा, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता, उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वो तेरे में आगे बढ़ना चाहती है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर उसके ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु, यीशु के नाम से अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, और तेरी बेटी को अभिषेक से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा तुझमें लिपटे रहे प्रभु, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाली बन जाए, ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर तेरे वचन तेरे प्रार्थना में आगे बढ़ने वाली बन जाए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जिसकी कोई औलाद नहीं है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे आनंद करने वाली माता बनाइए खुदा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तू झूले उसके गर्भ को झूले यीशु के नाम से, हर श्राप के बंधन टूट जाए झूले यीशु के नाम से, उसे गर्भ का फल मिलने पाए परमेश्वर पिता, उस बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, लगातार उसके भाई के लिए प्रार्थना करवा दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उसके भाई को भी औलाद दीजिए, उसके भाई को औलाद दीजिए, उसके भाई को औलाद दीजिए यीशु, हालेलुया रबा बाबा बारिश करना लगाती प्रभु, कई सालों से उसकी औलाद नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से आने वाले दिनों में इस नए साल में पिता परमेश्वर खुशखबरी मिलने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। जिसको भी पिता परमेश्वर अभी तक संतान उत्पन्न नहीं हुआ, इस पिता परमेश्वर आने वाले नए साल में पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर उनके गोद में पिता परमेश्वर एक फल मिलने पाए यीशु के नाम से, तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं खुदा, हालेलुया। पिता तू छू ले प्रभु, तू छू ले प्रभु, तू छू ले पिता परमेश्वर, हालेलुया। उस बिटिया के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर उसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए परमेश्वर यीशु के नाम से, बार बार वो बच्ची को वो गिरा देती है यीशु के नाम से, मिर्गी आने वाली शैतान की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाए, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाए, छू ले यीशु के नाम से छू लीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए। उस भाई के लिए भी प्रार्थना करते, उसका भी मिर्गी आती है प्रभु, बार बार वो गिर जाता है प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अंधकार की शक्ति भस्म हो जाए, उसके जीवन से हर प्रकार के बंधन टूट जाए, श्राप के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बाबा बारिश करना लगा थी, यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। उस आंटी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, पीठ में दर्द है प्रभु, कमर में दर्द है प्रभु, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उसे की सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, उसके जीवन में से हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर प्रकार के बीमारी के बंधन यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु, दया कर दया कर दया कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, में विशेष करके जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इन जवानों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, इन जवानों को अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं ऐसी गलत संगति में चाह रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुड़ा दीजिए पिता परमेश्वर, ये जवान तेरी महिमा के लिए खड़ा कीजिए, इन जवानों को पिता परमेश्वर खड़ा कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, गलत संगति छूट जाए, आपसे दूर करने वाली हर एक वस्तु छूट जाए प्रभु, दूर हो जाए उनके जीवन से पिता परमेश्वर, यदि पढ़ाई कर रहे प्रभु पढ़ाई में सहायता और मदद कीजिए, छू लीजिए परमेश्वर, बच्चों को छू लीजिए, जवानों को छू लीजिए पिता, पढ़ने लिखने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भरिए यीशु मसीह, अपना ज्ञान दे, ज्ञान के दाता
सारे ज्ञान और प्रवीणता के दाता, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छू लीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो दिन पर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है, भाई अपने भाई को मार रहा है, बेटे अपने पिताजी को मार रहा है, पिताजी अपने बेटे को मार रहे थे, ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं प्रभु। बचा ले प्रभु, बचा ले यीशु पिता। परमेश्वर आत्महत्या और हत्याएं करने वालों को बचा ले प्रभु, उन उस नर्क की आग से बचा ले प्रभु। वो तुझे जानने वाले बन जाए और एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से तू बचा ले, तेरे लोगों को बचा ले। ये तेरी सृष्टि है खुदा, तेरी सृष्टि है प्रभु। और पिता परमेश्वर, वो नर्क की आग में ना जाए, यीशु मसीह के नाम से तेरे राज्य के वारिस होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर आत्महत्या करने वाले प्रभु, यीशु के नाम से आत्महत्या करने वाले ना बने, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने वाले, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने वाले ना बने प्रभु। यीशु के नाम से हर एक श्राप के बंधन, हर लड़ाई झगड़े के बंधन टूट जाए, खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। छू लीजिए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बेरोजगारी है प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, कर्जे का बंधन, श्राप के बंधन टूट जाए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। हर गरीबी खत्म हो जाए, हर गरीबी खत्म हो जाए, यीशु के नाम से तेरे ही हाथ में सौंप देते प्रभु। यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, हर कर्जे के बंधन, श्राप खत्म हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। जो लोग आपके नाम से सताए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें साहस दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो हिम्मत दीजिए, वो हियाव दीजिए, ताकि आपके वचन को लेकर खड़े रहे प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो सताते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके जीवन को बदल दे यीशु, ताकि वो आपके प्रेम को जान पाए। उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आपकी सेवा करते हैं प्रभु, गांव में रहकर, शहर में रहकर, देश विदेश में रहकर प्रभु, आपकी जो सेवा करते हैं प्रभु, उन सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक सेवकों को आशीष दीजिए प्रभु, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी शक्ति से भर दीजिए, ज्ञान और प्रवीणता से भर दीजिए परमेश्वर, अपने अभिषेक से भर दीजिए, ना बल ना शक्ति से, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए परमेश्वर। यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ अपनी सेवकाई में, ऊंचा उठा परमेश्वर। कई लोगों को पिता परमेश्वर तेरे राज्य के वारिस बनाने वाले बन जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपके ही हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की पढ़ाई हो। एक बार फिर से हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूँ प्रभु, जो आपको नहीं जानते वो आपको जानने वाले बन जाए, जिसकी औलाद नहीं है परमेश्वर वो औलाद को प्राप्त करने वाले बन जाए, उन्हें गर्भ का फल दीजिए। जिनकी बेरोजगारी, उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, जिनकी बीमारी है, कमजोरी है, कष्ट पीड़ा है, यीशु के नाम से ऐसे बंधन टूट जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। छू लीजिए इन लोगों को, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा और होती रहे। धन्यवाद यीशु, विशेष करके हमारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे किसान भाइयों को अभिषेक से भर परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर, फसलों को आशीषित कीजिए परमेश्वर, फसल अच्छी फसल होने पाए परमेश्वर, कच्चे फल ना गिरे प्रभु, लेकिन पक कर प्रभु वो घर में आ जाए और आपकी महिमा हमारे किसान भाइयों के द्वारा होने पाए, से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आदि और अंत आप हैं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हैं, ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु से बातचीत करें, विश्वास की प्रार्थना करें, आपके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर बंधन को तोड़ देंगे,
श्राप के बंधन, कर्जे के बंधन, बीमारी के बंधन सब भस्म हो जाएंगे विश्वास की प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीष दे। इन प्रार्थनाओं को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद प्रभु में आ जाए, जो अंधियारे में है, जो परेशानी में है, वो प्रभु में आ जाए और उनका जीवन प्रभु में आने दे। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आप हमें टाइप और कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया, स्वाटर कली से आपके लिए प्रार्थना करती है, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना में अवेलेबल रहें। हालेलुया, प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें और प्रभु में आप बढ़ते रहें। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीष दे, सबको जय मसीह की।